संभाल करे, अरे डाल अंदर से डाल। ए, अपने बाल तो ठीक कर। हाँ? चल सीधा खड़ा हो जा, मुंडी जरा ऊपर कर। ए, आंखें बंद मत कर, जरा मुस्कुराना यार। ए, ऐसा सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहा है? पैसे देके मौत खरीदने आया है क्या? लगता है फैमिली फोटो है। सबकी चिता मरने के बाद जलती है, तू तो बेटा बिना मरे जलने वाला है। बोल बेटा। ऑफिस वाले मुझे विदेश भेज रहे हैं। पहले मुझे 70,000 पगार मिलती थी ना? वो सब मैं नहीं जानती। अब वो मुझे 3,00,000 रुपए देने वाले हैं। क्या 3,00,000 रुपए? ये तू क्या कह रहा है? 3,00,000 तभी मिलेंगे जब मैं विदेश जाऊंगा माँ। मैंने सोचा पहले आपको पूछूं। अरे 3,00,000 रुपए पगार, विदेश में नौकरी, कोई ना थोड़ी कहेगा। ये हमारी किस्मत है, ऊपर वाले की दया से सब अच्छा हो। नहीं माँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या बेटा? हर हालत में मुझे आज रात को ही निकलना होगा। पल भर के लिए आकर तुमसे मिलने का वक्त भी नहीं है माँ। क्या कहा, आज ही रात को? जी हाँ माँ। जल्दी नंदिनी की मंगनी होने वाली है, यहाँ रहकर सारा काम तो तुझे ही संभालना है। अचानक ऐसा क्यों फैसला लिया? माँ, मैंने उन लोगों से हाँ कहा है, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा माँ। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। बस मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, मैं बस यही चाहती हूँ। मैंने अपना सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, आपको जरूरत पड़ेगी। तूने बड़ा रिस्क लिया, हाय तूने ये क्या किया, सपना देखा दुनिया के गोलमाल है। आईला थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ रखना का यार, तेरे आगे पीछे यार बच्चा है जान। RDX बॉम्ब टूटी है टीम, मार्केट में होता है खतरों का गेम। कमाल है। भाई साहब ये क्या है? कमाल है, धमाल है। सर ये बन गया सर। नहीं नहीं ये छोटा है। आपकी हाइट कितनी है? सर जी 4.5 फुट का हूँ। धमाल है। इससे जरा बड़ी पेटी चाहिए। इससे बड़ी पेटी चाहिए तो 6 फीट के ले लीजिए, चलेगी आपको? नहीं नहीं इतनी बड़ी नहीं चाहिए। तो फिर आपको कैसी पेटी खरीदनी है? पुराने बुक्स और DVD रखने के लिए चाहिए। उसके लिए एकदम सही है। आइए सर, आइए, आ जाओ। ये कितने की है? वैसे तो 5,300 है, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ 5,000। छोटे हमारी दुकान बहुत मशहूर है, एक बार ले गए तो बार बार आओगे। डिलीवरी तो फ्री है ना? क्या बात है सर, घर खाली करके जा रहे हो क्या? इसमें क्या? नहीं इसमें मेरे पुराने बुक्स हैं। हाँ ठीक है जाओ, चलो चलो। सुनो, मेरे बारे में कोई पूछ रहा था क्या? नहीं कोई नहीं आया। ठीक है चलो यार। कल पे उसकी पत्थर पड़े हैं, कमलू का पैसा जब से गया, आसमां से टपका तो नीचे गिरा, तो उसने भी अब ये किया फैसला। इसके ऊपर शक है, उसके ऊपर शक है, राम जाने लग है कि उसका बैंड लग है। आईला आईला गिमी 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 खुद को बचा अब तू बेटा। Thank you.
हेलो हेलो बॉस, कमलकांत बोल रहा हूँ। कमलकांत बोल रहा है, तेरा नंबर तो दूसरा है ना। कुछ काम में हमें ऐसा करना पड़ता है। एक एक दिन एक एक पल यहाँ खतरे की घंटी की आवाज बढ़ती जा रही है। मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ पे रहूंगा ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं पता चलेगा यार। सोच रहा हूँ क्या करूँ। यहाँ से फॉरेन जाने का सारा अरेंजमेंट मैंने कर लिया है। जो पैसा मेरे हिस्से का है वो रेडी है ना? हाँ रेडी है यार। ये बताओ पैसा कहाँ भेजूँ? फ्लैट नंबर F6, 6th फ्लोर, नंबर 6 लक्ष्मी गार्डन, आरमुगम स्ट्रीट, लोखंडवाला। लोखंडवाला में? अरे वो तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पर तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस ढूंढ नहीं पाती। जैसे मैं बताऊंगा उस तरह से पैसे को संभाल के बॉक्स में डाल के 3 बार दरवाजा ठोक के छोड़ कर चले जाना, फिर मैं आकर ले लूंगा। बहुत होशियारी से करना। तूने अपनी सारी बातें मुझे बता दी ना, अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह होने से पहले तेरा पैसा तुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना? हाँ बोल माँ। दिवाली में तो तू आया नहीं, बहन की मंगनी में तो आएगा ना? माँ मैं आपको कितनी बार समझाऊं, ये हमारे गांव की कंपनी नहीं है। जब मर्जी आए तब मैं छुट्टी लेकर आ जाऊं। बहन की मंगनी के 2 दिन पहले हर हाल में घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है माँ? ये बात तो तूने मुझसे पहले भी कही थी। बेटा समधी जी के घर से फोन आया था, उन्होंने कहा है कि 50,000 रुपए का इंतजाम करो। मैंने उन्हें तेरे भरोसे जवाब दे दिया, 50 नहीं 60,000 का इंतजाम हो जाएगा। और बेटा दामाद जी ने नंदिनी को फोन करके कहा है कि उसे एक बाइक चाहिए। 60,000 रुपए तो वैसे ही दे रहे हैं, फिर एक बाइक दे देंगे तो अच्छा ही रहेगा ना? माँ वो मेरी बहन है, फिक्र मत कीजिए, मैं उसे उम्मीद से ज्यादा ही दूंगा। भगवान का दिया सब कुछ तो है, 2 वक्त की रोटी इज्जत और सुकून से तो मिल ही जाती है हम लोगों को। उसी इज्जत को बचाए रखने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा बेटा। और हाँ, अपने सेठ जी शहर जाने वाले हैं, उन्हीं के हाथों दिवाली की बनाई हुई मिठाई और पूजा का प्रसाद भेज रही हूँ। माँ ये तुम क्या कर रही हो, पिछली बार जो भेजा था उसमें भी बचा है। बेकार का गुस्सा मत कर, मैंने कुछ ज्यादा नहीं भेजा है। कौन है? हाँ माँ बाद में फोन करता हूँ। ओके दोबारा कभी इस तरफ बॉल मारेंगे नहीं, इसे तो मैं नालायक भाग गया। ए, तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं, समझ में नहीं आता क्या? ये लो ये तुम्हारा बॉल, अब जी भर के खेलो। हाँ माँ। क्या हुआ बेटा, फोन क्यों काट दिया? इस अपार्टमेंट के जो बच्चे हैं ना माँ, डेली क्रिकेट खेल खेल के खिड़की दरवाजा सब तोड़ के रख देते हैं। हाँ बोलो माँ। जाने दे बेटा, बचपन में तू भी ऐसा ही था। बच्चे तो शरारत करेंगे ही। वैसे मंडप अभी से बुक करना पड़ेगा, अगर तेरे पास 10,000 रुपए हैं तो मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ बेटा? माँ ऑफिस। अरे एक मिनट तो सुन ले। मैं फोन करूंगा माँ, फोन रखो। हाय मेरा। मनी तुम इतने देर से किससे बात कर रहे थे? माँ से बात कर रहा। माँ से बात कर रहे थे? वही नंदिनी की शादी के बारे में कह रही थी, बार बार वही दोहराती रहती। हाँ तो मैडम क्या कर रही हैं? बेड पे लेटी हूँ। लेटी हो? मैं आऊँ क्या? यू नॉटी। हाँ भाई एक मिनट। हाँ
आज मैं तुम्हें एक खास बात बताने वाली हूँ, पहले मुझे विश करो। ऐसी कौन सी खास बात है हा? अगर मेरा काम ठीक से हो गया तो मैं खुद बता दूंगी, पहले विश तो करो ना। ऑल द बेस्ट। ए गाड़ी उधर मत खड़ी करो, पार्किंग में लगाओ। ठीक से इसका ख्याल रखना। हाँ ठीक है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अलग से समझाओ क्या? ओके हाँ बाय बाय बाय। अरे कौन है? क्या यार बात क्या है, पुलिस क्यों आई? ये जरा साइको टाइप का इंसान है, कुछ लफड़े की वजह से हमारे इस एरिया में ट्रांसफर होके आया है। वो D6 है ना रत्ना जी का फ्लैट, उसी फ्लैट में रहने आया है। मेरे पड़ोस में कौन रहता है ये तक नहीं पता है, और आप कह रहे हैं कि D6 में रत्ना जी रहते हैं। रत्ना सर को नहीं जानते हो क्या यार? J10 में वो साहब बिल। क्या कहा? बिल? ए मैं पैसा वसूलने वालों में से हूँ, और तू मुझसे यहाँ पैसा वसूल करने के लिए आया है? तेरे सेठ की पूरी कुंडली जानता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उसके एड्रेस पे पहुँच सकता हूँ, चल जा। मतलब ये पैसा देकर कुछ भी नहीं खरीदता? अरे छोटे थोड़ी प्यास लगी थी, ठंडा पानी मिल जाता तो। ये लो। ओके थैंक यू छोटे। सांप देखकर भाग रहा था क्या? क्या हुआ बॉस? गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है, क्या हुआ? मैंने सुना है तुम्हारे पास काफी कलेक्शन है। क्या मतलब? अरे वही बॉस, मैटर। मैटर है? अरे क्या बॉस, तुम भी BF? BF? किसने कहा मेरे पास BF है? अरे छोड़िए ना बॉस, आपके फ्रेंड कृष्णा ने परसों आप दोनों घर पर आए थे तभी बताया था। इंटरनेट से डाउनलोड करके DVD में डालकर ढेर सारे कलेक्शन कर रखे हैं। अरे वो खेल मैं पहले खेलता था यार, अभी वो सब कहाँ है पता नहीं है। बिना नौकरी के घर चलाना कितना मुश्किल है ये तुम्हें पता नहीं है? एक दिन बिना नौकरी के घर बैठकर देखो, तब तुम मेरी तकलीफ समझ पाओगे। मुझे भूल देकर ब्लैकमेल कर रहा है, शाम को ढूंढ के दे दूंगा यार, जितनी भी है सब ले लेना। अरे गाड़ी आ गई, मैं जाता हूँ। ओके बाय। सुनो तो सुनो बॉस, शाम को मैं तुम्हारा वेट करूंगा, ठीक है ना? हां ठीक है, चलो चलो चलो। मेरी बात भूलना मत। जेनी, कृष्णा कहाँ है? कैंटीन में गया है। अरे यार एक हफ्ते बाद हम लोग US में रहेंगे। अरे ए, तेरा चेहरा क्यों सूजा हुआ है? तुझे जरा भी अकल है कि नहीं? क्या प्रॉब्लम है? वसंत को तूने क्या बोला? ये कौन है? अरे तू 2 दिन पहले घर आया था ना, उसी के बारे में बोल रहा था वो। ओह ऐसा क्या? अरे मैं गाड़ी का वेट कर रहा था तब वो BF की CD लेने दौड़ के आया, 2 लड़कियां थूक के चली गई। यार इसकी बातों से लगता है वो आदमी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अरे यार एक बार तू भी उसे जरूर मिलना, हंस हंस के पागल हो जाएगा। आपको मीटिंग रूम में साहब बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। ओके सर। अच्छा मैं जरा मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। और सुन, हमें जो सरप्राइज पैकेज मिलने वाला है ना, उसके बारे में बता दे। ये सरप्राइज पैकेज क्या है? यार विदेश से एक CEO आया है जिनकी कंपनी का नाम है सेट्रा सेट्रा लिमिटेड, और वो बोल रहे थे कि उनकी कंपनी ने US में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ से काफी लोगों को वो US ले जाकर जॉब ऑफर करना चाहते हैं। अगर हम लोगों की किस्मत ने साथ दिया तो हो सकता है हम भी US जाएं। मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्यों यार? पहली बात मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, दूसरी बात मेरे घर में कोई मर्द है तो वो मैं अकेला ही हूँ, इसके अलावा मेरी बहन की शादी की जिम्मेदारी, उसके बाद मेरी और मीरा के प्यार वाली बात घर पे बताकर शादी करनी है, उसके बाद सोचेंगे। देख एक तो तू US जा या फिर नौकरी छोड़, वैसे भी अपने इस जॉब में कोई खास बात नहीं। यार अगर ऐसी नौबत आई तो एक दिन में पासपोर्ट बना कर देने वाला एक आदमी है। यार ऐसे कैसे एक दिन में पासपोर्ट बन जाएगा? मेरा दोस्त है अरविंद सिंह। मणिकांत सर आपको साहब मीटिंग में बुला रहे हैं। तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। How was your day, Mr. Manikant? Fine, ma'am. March 23rd, 2009. मेरे ख्याल से आपको ये तारीख जरूर याद होगी, है ना? इसी तारीख को आपकी जर्नी हमारी कंपनी में शुरू हुई थी। आपको याद होगा कि पिछले साल हमारी कंपनी ने बेस्ट एम्प्लॉय का आपको सर्टिफिकेट दिया था। तो अगली जर्नी आप कब शुरू करना चाहते हैं? ये सुनकर मुझे खुशी हुई सर। जब से आपकी कंपनी को ज्वाइन किया है मेरा स्टेटस बढ़ गया है सर। अभी तक हमारी कंपनी के टॉप प्रोजेक्ट्स में आप शामिल रहे हैं। Am I right, Mr. Manikant? यस सर। लास्ट 6 मंथ में हमारी कंपनी ने जिस प्रोजेक्ट को नेगोशिएट किया वो हमारी कंपटीटिव कंपनी को चले गए। सो ऑल ओवर इंडिया हमारी कंपनी के सभी ब्रांचेस के टॉप सैलरी लेने वाले 2000 लोगों को इमीडिएटली निकालने का हमें ऑर्डर मिला है, और कंपनी से निकाले जाने वाले उन 2000 लोगों में एक आपका भी नाम सर। सॉरी मिस्टर मणिकांत, आपका रिलीविंग लेटर और सारे पेपर्स आपके टेबल पर पहुंच जाएंगे, यू मे लीव नाउ। ये क्या है सर,
आप अचानक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? सॉरी मिस्टर मणि, हम तीनों मिलकर आपको इस नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं, ये कंपनी का फैसला है। एटलीस्ट एक महीने पहले तो नोटिस मिलनी चाहिए। इस कंपनी ने आप लोगों को जो प्रमोशन और इंक्रीमेंट दी है उसके बारे में पहले से इन्फॉर्म किया है क्या? ठीक उसी तरह ये भी है। इफ यू वांट टू टेक एनी लीगल एक्शन यू कैन मिस्टर मणिकांत, लेकिन उससे पहले जब आपने यह नौकरी ज्वाइन की थी तो आपने एक एग्रीमेंट पे साइन किया था, उसे पढ़कर जरूर देखिएगा। कंपनी को जब लगेगा कि अब आपकी जरूरत नहीं है तब आपको बिना किसी इन्फॉर्मेशन के निकाला जा सकता है, ये राइट कंपनी के पास सुरक्षित है। शिट सर, रियली सॉरी सर, इस नौकरी की वजह से मेरा परिवार चल रहा है, मेरी बहन की शादी और वो घर का लोन, बहुत सारे कमिटमेंट है सर। प्लीज सर। गार्ड सर, आप ऐसे नौकरी से निकाल देंगे तो हम कहां जाएंगे? काम डाउन मिस्टर मणिकांत, डे नाइट की परवाह किए बिना परिवार से दूर रह के तुम्हारी कंपनी के लिए काम किया है, बेशरम बदमाश। देख हिम अवे, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगा, तुम्हारी कंपनी को देख लूंगा मैं, तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। नेक्स्ट। अचानक ये क्या हो गया? नंदिनी की शादी धूमधाम से करने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। आपने मेरी शादी से एक महीने पहले एक शानदार नेकलेस देने का वादा किया था, याद है ना? मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मनी, मैं तो तुम्हारे ही सहारे हूँ। मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। मेरे बिजनेस का क्या होगा? क्या होगा तुम्हारे वादे का? जाओ भाई, मदद करने का वादा किया था। सेलफोन का मुझे LIC की किस्त भरनी है। छोटे अरे सर, सर मैं कुछ हेल्प करूं क्या? सर इसे क्या हो गया आज? क्यों मिस्टर? सर क्या हुआ, लिफ्ट का इंतजार कर रहे हो? हाँ। लिफ्ट में जाना है ना तो कल ही जा पाओगे? क्यों? जरा झुक के नीचे तो देखो। थैंक यू सर। ये तो गोली चलने की आवाज है। ओ नहीं। अरे संभाल के भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे आओ ना, मैं उठा कर ले आता हूँ, आ जाओ। ओके थैंक यू। आजकल की रिंगटोन भी। अरे मिस्टर, फ्लैट नंबर क्या बताया था? E6 सर। क्या कहा तुमने? E6 कहा था, यहाँ तो F6 लिखा हुआ है। वो क्या है ना, बॉल लगने की वजह से टूट गया है। ओ ऐसा है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? ये तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लिखा है सर। ये सब मानते रहोगे तो बहुत जल्द बोरिया बिस्तर बन जाएगा तुम्हारा। अंदर आइए सर। ये मुझे दीजिए सर। ये तुम्हारा खुद का? नहीं, भाड़े का है। और ये सब? सब इंटीरियर मैंने किया है। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। बैचलर का घर है ना, साफ दिख रहा है। तुम्हारे साथ कोई और रहता है क्या? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। काम क्या करते हो? सर संगमन प्रोसेस में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। बहुत नाम सुना है, वो बहुत बड़ी कंपनी है। बाय द वे, मेरा नाम राजेंद्र। जानता हूँ सर, वॉचमैन ने बताया था। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना, मैं संभाल लूंगा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। सर एक ग्लास पानी पी के जाइए। उसकी जरूरत नहीं है, पहले तुम अपना ये घर ठीक करो। मेरा जेलर बहुत खतरनाक है, क्या समझे? ओके चलता हूँ। बोलो मेरा। तुम कहाँ हो? घर पर हूँ। बोलो। घर पे हो, ऑफिस नहीं गए? जल्दी आ गया हूँ, क्या बात है? हमारी बात पापा को पता चल गई है। मैं भी तुमसे एक खास बात कहना चाहता हूँ। तो फिर कहीं मिलके बात करते हैं। मीरा, तुम्हारे पापा ने क्या कहा? पापा, उसका नाम मणिकांत है, मम्मी भी उसे जानती हैं। संगमन प्रोसेस में प्रोजेक्ट लीडर का काम करता है।
उसका गांव है मदुराई, उसके पापा नहीं हैं, खुद का घर है, माँ और बहन की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है, बहन की शादी की सारी तैयारियां भी कर ली हैं। तुम्हें उस पर इतना विश्वास है क्या? मुझे उस पर पूरा विश्वास है पापा, वो मेरा पूरा ख्याल रखेगा। सुनिए जी, उस लड़के को देखकर लगता है कि वो एक अच्छे खानदान का है, अगर हम भी कोई रिश्ता ढूंढे तो इतना अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो ठीक है, मुझसे मिलने के लिए बोलो। मनी, तुम्हारी बहन की शादी के बाद हमारी शादी हो जाएगी, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ, अब हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। इसीलिए ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी और सस्पेंस ही रखी थी, इसीलिए मिलके बताया। इसके अलावा एक और खास बात, पापा तुमसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, तो टाइम निकाल के आ जाना, ऑफिस से लीव लेकर सीधे घर आ जाना, समझ गए? सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ, बाय। हुँ? तुमने कहा था तुम्हें भी कुछ खास बात कहनी है? ऐसा कुछ नहीं, सिर दर्द कर रहा था तो जल्दी आ गया, वही बताना था, पर ये खुशखबरी सुनने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और नहीं तो क्या, क्यों नहीं होगा, आज हमारा सपना पूरा होगा। शाम को फोन करूंगी, करेक्ट टाइम पे आ जाना। यार, हमारी नौकरी चली गई, ये बात घर पे बता दे। ए, हमारी तरह इस बात को घर वाले झेल नहीं पाएंगे, बताने में जल्दबाजी मत करना, कभी तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी यार, हमारे पास काफी वक्त है, उसके बाद देख लेंगे। हेलो, जैसा आपने वादा किया था, आप सभी लोग आंख कान खोल कर तैयार रहिए, हम आपको वो खुशी देने जा रहे हैं, आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है, आपका मनपसंद कलर होगा ब्लैक एंड ग्रे। किसने रखा? बोलो माँ। सेठ जी का फोन आया था, कह रहे थे कि उन्हें कोई खास काम से जाना है, इसलिए सामान तुम्हारे बिल्डिंग के वॉचमैन के पास रखवा दिया है, ले लेना। क्या कहा? वही बेटा, मैंने मिठाइयाँ और प्रसाद भिजवाई थी ना, यहाँ से वॉचमैन से ले लेना। माँ, भेजने के लिए मना किया था ना, इतना भेजा कि मैं उठा भी नहीं पा रहा, पता नहीं वो कैसे लाया होगा। अरे कैसी बातें करता है, इतना वजन कहाँ है, मैंने खुद अपने हाथों से उठा कर दिया था, पता नहीं तुझे क्या।
अब गया। क्या है? सर सुबह को ये बूढ़ा इंसान आया था, उसने कहा कि मैं तुम्हें दे दूँ। सर अगर ये छोटा बॉक्स माने दिया है तो इसमें क्या है? कौन चाहिए? तुम्हारे दरवाजे पर सील किया हुआ एक बॉक्स हम रख कर गए थे, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं, ऐसा कुछ देखा नहीं है। लगता है तेरे कानों को ठीक से सुनाई नहीं देता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, वो बॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉक्स है, उस बॉक्स को खास आदमी तक पहुँचाना है। ठीक से सोच के बता मुझे। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं। यार ये सच कह रहा है लगता है, इसे देखकर पता चलता है ये जेंटलमैन है, ये झूठ क्यों बोलेगा? जेंटलमैन, तुझे देख के ऐसा ही लगता है। अगर कहीं तूने झूठ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे छोड़ यार, सॉरी सर, चल यार चलते हैं। यार तू सच कह रहा है? हाँ। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएं क्या? अभी नहीं, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय। ए सुन सुन सुन। क्या हुआ? एक बात पूछता हूँ, जवाब देगा? बता। सुबह जब मैं बिस्तर से उठा, ठीक है, जाके मैंने दरवाजा खोला, देखा वहाँ एक बॉक्स पड़ा है। उस बॉक्स को अंदर लाके मैंने उसे खोल कर देखा कि हजार हजार के नोट है, मेरे ख्याल से 5 करोड़ होंगे। बोल क्या बोलता है? तू जागते हुए सपना देख रहा है, पागल हो गया है क्या? मैंने तुझसे जवाब मांगा है। अगर वो 100 रुपए का नोट होता तो मैं लेकर फरार हो जाता, वरना मैं उधर ही छोड़ देता। ये 5 करोड़ रुपया तेरे दरवाजे पर यूं ही कोई छोड़ के चला जाएगा क्या? जहाँ था वहीं पर रख दे, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और सुन, इसके बारे में किसी और को मत बताना। जो भी है हम बाद में बात कर लेंगे, अभी जाओ और अपना काम निपटा के आओ। तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं बहुत ही खूंखार हूँ, मुझे बॉक्स तेरे घर में मिलने दे, तुझे चीर डालूंगा। गोपी, घर का कोना कोना छान मारो। ठीक है। उसका बेड अच्छी तरह से चेक कर। हाँ देखता हूँ।
तूने मुझ पे हाथ उठाया, अब तू नहीं बचेगा। ए, ये कैसी आवाज है गोपी? ए, तूने मेरे आदमी को मारा, अब तू नहीं बचेगा। आज जगह ही छोड़ूंगा। अरे माँ, माँ ते काली माँ, सब कुछ शुभ मंगल कर माँ, सब कुछ शुभ मंगल, अरे सब कुछ शुभ मंगल। कौन है? कमलकांत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो कमलकांत, क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? मेरे पैसों का क्या हुआ? सुबह ही बॉक्स में पैक करके भिजवा दिया था। अरे तुम्हारे आदमी तो दूर, उनका साया भी नजर नहीं आया इधर। पैसे लेकर तो वो दोनों सुबह ही यहाँ से निकल गए थे। तुम्हारे दोनों आदमी ईमानदार हैं क्या? तुम मेरे आदमी पर शक कर रहे हो? जहाँ पैसों की बात आती है वहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे मेरे वो दोनों आदमी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, और वो भी रवि। मेरे लिए वो कितनी बार अपनी जान पर खेल चुका है पता है? बस बंद कर बकवास। तुम्हारे आदमी अगर आए होते तो मैं तुम्हें फोन क्यों करता? मुझे मेरे पैसे चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है, समझे ना? तेरे लिए गांजे का बिजनेस हो या प्रोस्टिट्यूशन का, तुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ी, आधी रात क्यों ना हो, मैंने तुझे पैसा ला कर दिया है। और आज भी अपना पैसा मांग रहा हूँ तो तू नाटक कर रहा है? एक घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर उसके अंदर तूने पैसे नहीं भिजवाए तो मेरी बात कान खोल के सुन ले, तुझे खुद आकर मेरे पास पैसा पहुंचाना होगा, समझा? ओके। देखो मैं बार बार फोन नहीं कर सकता, किसी भी हाल में आज लिफ्ट रिपेयर हो जानी चाहिए। कहाँ जाके मर गए दोनों? hey, हाँ भाई, शेखर और पंड्या को बुला। जी भाई। बोलिए भाई। hey, एक बात तुमसे पूछनी है, सोच समझ कर उसका जवाब देना। पूछिए भाई। मैं एक बॉक्स में 5 करोड़ रुपए तुम लोगों के सामने ही रखता हूँ, और उसे अच्छी तरह पैक करता हूँ, फिर एक एड्रेस बताता हूँ, तुम्हें उस पैसे को ले जाकर वहां रखना है। तो क्या उस पैसे को लेकर भागने का तुम्हारा दिल करेगा? भाई अगर आपके साथ ऐसा किसी ने किया तो हमें बताओ, उसे काट के रख देंगे। hey! मैंने जो तुमसे सवाल पूछा उसका जवाब दो, क्या तुम्हारा दिल करेगा उस पैसे को लेकर भागने का, बताओ। भाई हम दोनों ऐसा नहीं करेंगे। hey, तुम बताओ पांड्या। भाई क्या तुम्हारा दिल करेगा? क्यों भाई, डाउट है? रवि और गोपी को कुछ पैसों का प्रॉब्लम था क्या? हा? भाई उन्होंने ऐसा किया, एक बार आप इशारा तो करें, उन दोनों के टुकड़े टुकड़े करके आपके कदमों में डाल देंगे। hey, बड़ा आया मारने वाला। सुनो, तुम दोनों सिर्फ ये करो कि रवि और गोपी के घर पर जाओ, देखो वो दोनों वहां पर हैं क्या, नहीं है तो आसपास के लोगों से मिलो, पूछो कि वो कहां गए और कब गए हैं। अगर तुम्हें जवाब सही नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो एड्रेस दे रहा हूं
इस एड्रेस पर जाना और उन दोनों के बारे में पूरी इंक्वायरी करना, समझ गए? ठीक है भाई। अरे नहीं, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, ये तो डायमंड का मामला है ना, घोटाला किया है ना। ए, पैसे की बात यहाँ मत करना, ये घर नहीं पुलिस स्टेशन, मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा, कहाँ किसको कितना देना है बाद में बताऊंगा, अभी जाओ। मेरा अपना यहाँ कोई नहीं है और बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ बाकड़ा डाला है, उसका आधा हिस्सा ये गुंडे लोग ले जाते हैं और परेशान करते हैं, ऐसे मैंने तुम्हारी कंप्लेन टाइप की है। हाँ, जो भी बात है सब साफ साफ बताइए। सर, मैं अपनी कार लेकर लेफ्ट से सीधा जा रही थी, तभी इसने राइट से स्पीड में मुझे ओवरटेक किया, मैं कार को किनारे लेके टर्न मार रही थी, इतने में आकर इसने मेरी कार को ठोक दिया। ओ मैडम, ट्रैफिक के रूल के हिसाब से तुम राइट से क्यों गई? आपकी बात मैं मानता हूँ सर, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से सारी लड़कियों ने मुझे बहुत मारा। ए, लड़कियां मड़कियां कहा तो यहीं पर मारूंगी, अभी तेरा चश्मा तोड़ूंगी। ओ मैडम बस करो, आप यहाँ इस पर हाथ नहीं उठा सकते। इसने सबसे पहले मेरी गाड़ी को ठोका, इसके ऊपर केस फाइल कीजिए वरना मेरे डैमेज देने के लिए कहिए। इसमें गलती आपकी भी है मैडम। आप केस फाइल कीजिए वरना मैं आपके खिलाफ एसीपी से शिकायत करूंगी। क्या बात है मैडम, पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस को धमकी दे रही है? अगर केस फाइल नहीं किया तो पुलिस स्टेशन में मेरा रेप करने की कोशिश की गई ऐसा इंटरव्यू मैं प्रेस को दूंगी। तो सोचिए मेरा बाहर क्या हाल क्या होगा। इसने सर छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर, छोड़ दीजिए सर। सॉरी सर, क्या घर पे छोड़ गया है, देख के नहीं जा सकता क्या? सॉरी, ये लो एड्रेस। ये तो मनी है ना, ये यहाँ पर क्यों आया है? हाँ ठीक है ठीक है, आगे से देख के चलना। क्या बात है शेखर, रवि घर पे है क्या? भाई बुलाया कहकर सुबह ही चले गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। क्या हुआ बेटा? वो भी गया माजी? पता नहीं बेटा, सुबह से गया है अभी तक लौटा नहीं। हेलो, तुम कहाँ हो? घर के पास। क्यों, काम पर नहीं गए? जाना है, जाऊंगा। पापा ने तुम्हें आज शाम को 6 बजे घर पर बुलाया है। हेलो हेलो मनी, सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तुम करेक्ट टाइम पे आ जाना और पापा बहुत डिसिप्लिन्ड है। ओके ओके, आ जाऊंगा। हेलो, क्या हुआ इसे? ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे शीला का बॉस यहाँ बाजू में रहता है, उन्हीं से मिलने आया था। नौकरी के बारे में मैंने उनसे रिक्वेस्ट तो की है, लेकिन वो आदमी ऐसा है कि कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है यार, इसलिए मुझे तेरी याद आई और मैं तुझसे मिलने चला आया। बैड लक हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगा, पता नहीं पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे। अब तो पैसा कमाना है यार, दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं है उसे तो कुत्ता भी नहीं सूंघता। सुबह तो बोला था ना कि एक बॉक्स में तुझे पैसा मिल जाए तो तू क्या करेगा, अगर मुझे पैसा मिला ना तो मैं किसी को भी बिना बताए ये शहर छोड़कर ही भाग जाऊंगा, अगर विदेश चला गया तो और भी सेफ हो जाऊंगा। एक साल बाद लौट कर आऊंगा और बताऊंगा कि विदेश में कमाया, तब मुझे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं यार। लेकिन इतनी अच्छी किस्मत अपनी कहाँ है, मुँह से निकली हुई बात सच हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, सब लोग खुश रहेंगे। चल यार मैं निकलता हूँ, इवनिंग में फ़ोन करता हूँ, तो अपना काम निपटा। भाई साहब कितना हुआ?
हेलो मोहन है क्या? हाँ मैं मनी बोल रहा हूँ, उमाकांत का बेटा मनीकांत। मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। कुछ नहीं, मेरा एक फ्रेंड बैंकॉक में है, उसने डीडी भेजी है कुछ सामान खरीदने के लिए। मुझे उनके यहाँ फ्यूनरल में जाना है। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। आपके पास एक दिन में पासपोर्ट बनाने वाला बंदा है ना, मुझे उसका नंबर मिलेगा? नहीं नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज मैडम जरा हेल्प कीजिए ना, बहुत जरूरी है। लोग तो बनाकर चले जाते हो, कुछ ही देर बाद ना वो ऊपर जाती है और ना नीचे आती है। एक ऐसी खटारा लिफ्ट है यार। ए सुनना, वो देख, ये रवि और गोपी तो यहीं पर है। हाँ। यही फ्लैट है। जल्दी कर, जल्दी खोलना। ए, कोई आ ना जाए, नजर रख। नहीं लगता हम लोग गलत जगह पे आ गए? हो सकता है, पर मुझे फिर भी कुछ डाउट है। ए, आजा, आजा। हा, हा। ए, आवाज मत करना। हा, हा, चल। ए, ये चक्कर क्या है? सिर्फ आवाज आ रही है, लिफ्ट नहीं आ रही है। सुन भाई, सीढ़ियों से चलते हैं। अरे अरे, मैं बोल रहा था ये कलर थोड़ा सा, वही तो मैं सोच रहा हूँ। वो लोग ऐसा क्यों किए? गाड़ी तो यहीं है पर दोनों लापता है। लगता है कुछ ना कुछ हुआ है। पंड्या, उन दोनों की गाड़ी तो है लेकिन गए कहाँ? गाड़ी है, आदमी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? यही कहेंगे है? यार यहाँ भी F6 है। हाँ यार, आहिस्ता नीचे उतर, आवाज मत कर। पहले ऊपर वाला फ्लैट खोला और अब ये फ्लैट खोल रहे हैं। हमें चुपके से देखना होगा, कुछ तो गड़बड़ है। रुक, देखते हैं। फोन किसे कर रहा है? रवि को। अरे ये तो नॉट रीचेबल बता रहा है। बंद कर, चल यहाँ से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आराम से, पहले देख ले बाहर कोई है तो नहीं। ए, तेरा फोन बज रहा है। दूंगा एक फोन तेरा और उठाऊं मैं? मतलब हाँ?
आवाज तो अंदर से ही आ रही है। इसके अंदर से आ रही है। ने क्या करा है पंड्या? अगर गोपी यहाँ है तो फिर रवि कहाँ है? ये काम कमलकांत का है। हाँ बोलो, वो दोनों वहां मिले क्या? दोनों का खून हो चुका है। हाँ? इतना ही नहीं, उन्हें मार कर यहाँ छिपाया गया है भाई। ये कमीना कमलकांत, मेरा भी यही ख्याल है। उसने ऐसा क्यों किया? मैं समझ गया भाई, वो आपसे 5 करोड़ वसूलना चाहता है, इसीलिए ऐसा किया। तो कहना क्या चाह रहा है भाई? आपने जिस फ्लैट का एड्रेस दिया था वहां जाके देखा, कोई भी नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, एक मच्छर तक नहीं है। और तो और, पैसा लेकर आए हुए रवि और गोपी को भी किसी दूसरे आदमी से मर्डर करवा के 5वें फ्लोर पे छिपा कर रखा हुआ है, जैसे कि कुछ जानता ही नहीं हो। पैसा नहीं मिलने का झूठा नाटक कर रहे भाई। मान लीजिए रवि और गोपी पैसा लेकर यहाँ से फरार हो गए तो आप क्या करेंगे भाई? अपनी जुबान के लिए 5 करोड़ रुपए आप और देंगे कि नहीं? 5 करोड़ रुपए आप पहले ही दे चुके हैं। 5 करोड़ रुपए और वसूल करके वो ये शहर छोड़कर भागने वाला होगा। अब आप ही सोचिए ना भाई, कमल ने ये बहुत बड़ी गलती की है। सुनो, तुम लोग एक काम करो, ये बात किसी को मत बताना। तुम लोगों ने वहां कुछ नहीं देखा, चुपचाप वहां से तुम लोग निकल जाओ, और वहां से निकलते हुए तुम्हें कोई देख ना पाए। रवि और गोपी के खूनी का अगर तुम्हें कोई सबूत मिलता है तो उससे लेकर मेरे पास चले आओ। उसके बाद उसे मैं जहन्नुम का रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है भाई। आज का दिन ही खराब है, मेरा समय सही नहीं चल रहा है। अपने भरोसे के 2 आदमियों को आज मैंने खो दिया। मैं उसे कितना मानता था और उसने पीठ में ही छुरा भोंक दिया। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सॉरी, ये सब तो लाइफ में चलता ही रहता है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कब चाहिए? सर मुझे आज रात को ही निकलना है। बहुत खर्चा आएगा छोटे। कितना खर्च होगा सर, बताइए ना, मैं देता हूँ। ऐसा क्या, मुझ पे विश्वास करके आए हो ना, काम हो जाएगा। पेपर पढ़ते हो ना? सर अभी परसों ही छपा था, जाली पासपोर्ट लेकर यात्रा कर रहे थे 900 लोगों को इंडिया ने पकड़ कर रखा है। सिर्फ तमिलनाडु के अंदर 260 केसेस हैं, और उसमें से मेरे ऊपर तो सिर्फ 2 ही केस हैं। हाँ सच में। तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, 1,50,000 रुपया यहाँ रख दो और चले जाओ। रात के 8 बजे तुम्हारा पासपोर्ट बिल्कुल रेडी रहेगा, ये मेरा वादा है। पूरे पैसे अभी देने हैं क्या? मेरे जैसा भाई जुए में हार कर पीछे हट सकता है, लेकिन जुबान देने के बाद अपनी जान की बाजी लगा देता है। छोटे, एक और खास बात, इन केस मान लो कि तुम्हें एयरपोर्ट पर पकड़ लिया जाता है तो तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे। अगर तुमने कुछ बोल दिया तो जो एड्रेस तुम मुझे दे रहे हो ना, वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और अगर तुमने गलत एड्रेस दिया तो तुम बाहर जा ही नहीं पाओगे। ऐसी है मेरी पहुंच, बी केयरफुल। ये लीजिए सर। 51, ओके। ए, जरा चेहरे पर हंसी तो लाओ। क्या रे, क्या कहा तूने? हैं? क्या कहा? मुझसे ज़बान लड़ाता है? ले। मैंने कहा हंसी लाओ तो बकवास करता है। मार, मार साले को, मार मार के हड्डी पे अपनी एक कर दो इसकी। छोटे, जा फोटो खिंचवा ले। हेलो। वो फोटोग्राफर जरा साइकिक है, इसीलिए जरा हंसते जाना, आज उसका मूड सही नहीं है। जाओ जाओ। ओह शिट।
फिर गिनती भूल गया। ए, तुझे बैंड बाजे के साथ लेने आऊं क्या? देख क्या रहा है, वहां जाके खड़ा हो जा। ए, 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 संभाल करे, अरे डाल अंदर से डाल। ए, अपने बाल तो ठीक कर। हाँ? चल सीधा खड़ा हो जा, मुंडी जरा ऊपर कर। ए, आंखें बंद मत कर, जरा मुस्कुराना यार। ए, ऐसा सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहा है? पैसे देके मौत खरीदने आया है क्या? लगता है फैमिली फोटो है। सबकी चिता मरने के बाद जलती है, तू तो बेटा बिना मरे जलने वाला है। बोल बेटा। ऑफिस वाले मुझे विदेश भेज रहे हैं। पहले मुझे 70,000 पगार मिलती थी ना? वो सब मैं नहीं जानती। अब वो मुझे 3,00,000 रुपए देने वाले हैं। क्या 3,00,000 रुपए? ये तू क्या कह रहा है? 3,00,000 तभी मिलेंगे जब मैं विदेश जाऊंगा माँ। मैंने सोचा पहले आपको पूछूं। अरे 3,00,000 रुपए पगार, विदेश में नौकरी, कोई ना थोड़ी कहेगा। ये हमारी किस्मत है, ऊपर वाले की दया से सब अच्छा। नहीं माँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या बेटा? हर हालत में मुझे आज रात को ही निकलना होगा। पल भर के लिए आकर तुमसे मिलने का वक्त भी नहीं है माँ। क्या कहा, आज ही रात को? जी हाँ माँ। जल्दी नंदिनी की मंगनी होने वाली है, यहाँ रहकर सारा काम तो तुझे ही संभालना है। अचानक ऐसा क्यों फैसला लिया? माँ, मैंने उन लोगों से हाँ कहा है, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा माँ। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। बस मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, मैं बस यही चाहती हूँ। मैंने अपना सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, आपको जरूरत पड़ेगी। इतनी बड़ी नहीं चाहिए। तो फिर आपको कैसी पेटी खरीदनी है? पुराने बुक्स और डीवीडी रखने के लिए चाहिए। उसके लिए एकदम सही है। आइए सर, आइए, आजा आजा। ये कितने की है? वैसे तो 5,300 है, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ 5,000। छोटे, हमारी दुकान बहुत मशहूर है, एक बार ले गए तो बार बार आओगे। डिलीवरी तो फ्री है ना? क्या बात है सर, घर खाली करके जा रहे हो क्या? इसमें नहीं, इसमें मेरे पुराने बुक्स हैं। हाँ ठीक है, जाओ। चलो चलो। सुनो, मेरे बारे में कोई पूछ रहा था क्या? नहीं, कोई नहीं आया। ठीक है, चलो यार। कल पे उसकी पत्थर पड़े हैं, कमलू का पैसा जब से गया, आसमां से टपका तो नीचे गिरा, तो उसने भी अब ये किया फैसला। इसके ऊपर शक है, उसके ऊपर शक है, राम जाने लग है कि उसका बैंड लग है। अब तू बेटा डुक्कु बुक्कु डुक्कु बुक्कु डुक्कु बुक्कु फसा रे साहब, तू फसा, अब तू फसा। पिचके 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 पिचके। Mm-hmm.
कहीं मेरा शक सही तो नहीं? सिगरेट यहां कैसे आई? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? कम सर, आ गया वर्दी वाला। क्या बात है, कब से दरवाजा ठोक रहा हूं, तू कर क्या रहा था? बाथरूम में था सर। ओ, ऐसा है क्या? क्या बात है, आज घर बड़ा साफ दिख रहा है। सर, आपने कहा था इसलिए किया। खैर वो छोड़, तू सुबह पुलिस स्टेशन क्यों आया था? कोई लफड़ा हुआ था क्या? मैं पुलिस स्टेशन नहीं आया था। तू पुलिस स्टेशन आया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो मेरा पर्स खो गया था, उसकी कंप्लेन लिखवाने आया था। फिर मेरे दोस्त का फोन आया कि पर्स कार में ही है, तो मैं निकल गया। ओ, ये बात है। वैसे तुम्हारा कोई दोस्त घर पे आया था क्या? नहीं सर, कोई नहीं आया। तुम्हारे घर की बालकनी में एक ब्लू टी शर्ट वाले को मैंने देखा है। ये टी शर्ट बदलनी पड़ेगी। फ्रेंड? कोई फ्रेंड नहीं आया सर। फ्लैट में बहुत संभाल के रहना पड़ता है, क्योंकि पड़ोस में किसी का खून भी हो जाए ना, तो दूसरे घर वाले को पता नहीं चलता। समझ गए ना? ओके ओके सर। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ, जरा संभल के। वाह, ये किसका शू है? सर सर, वो मेरा पुराना शूज है। ए, सर हट, कहाँ ना, पीछे हट। ये खून तूने किया है? सर, किसका खून किया है? कौन है ये? सर मेरी बात सुनिए सर, सर सर प्लीज, सर प्लीज, रोक दूंगा सर, प्लीज सर, सर प्लीज, चल दोनों हाथ पीछे कर, दोनों हाथ पीछे कर, चल बैठ जा वहीं, बैठ जा वहीं। ड्यूटी ज्वाइन करने के दूसरे दिन ही मर्डर केस, चेकपॉइंट लग गया मेरा। सर सर सुनिए, ये वो नहीं है, उसने ब्लू टी शर्ट पहनी थी, वो कहाँ है? सर यहाँ कोई नहीं आया था, मुझे पता है सर। ए, तू इज्जत से बताएगा या मैं ढूंढ के निकालूं? प्लीज सर, प्लीज सर मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सर ए, ये वो नहीं है, आज पीछे। सर कौन है ये? क्या हुआ बॉस? इसी आदमी ने हमारे रवि और गोपी का खून किया है और आप हंस रहे हैं? अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसे पता नहीं कि हम कौन है।
रिवीस ने हमारे आदमियों को मार डाला, ओ, 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 और उसके बाद हमारे पास ही जाली पासपोर्ट बनाने आ गया। हम तो उसे यहीं पकड़ सकते हैं, यहीं पकड़ लेंगे तो सारी सच्चाई उगल देगा। अच्छा? अकल की बात की। वो कौन है ये बात हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन वो अपना पासपोर्ट लेने के लिए हमारे पास जरूर आएगा। उसके पास जो पैसे हैं उससे वसूलने के लिए हम उसे कमलकांत के हवाले कर देंगे। आज रात वो यहाँ पर आने वाला है, उससे पहले ही उसके बारे में जानकारी चाहिए। देखता हूँ। क्या हाल है बॉस, कैसे हो? तुझे क्या चाहिए? अरे इतनी जल्दी भूल गए, डीवीडी देने के लिए कहा था ना। मैं अभी खास मैटर में बिजी हूँ, तू बाद में आना जा। मैटर? क्या मैटर है बॉस, बदन पसीने में डूबा है? कोई गर्लफ्रेंड अंदर है क्या? हाँ यार, मेरी गर्लफ्रेंड आई है। ऐसा क्या? वही है क्या वो वाली? हाँ यार वही है, वही है। अब तो जाएगा? सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, मैं यहाँ गलत टाइम पर आ गया। मैं आपसे फिर कभी आकर मिलूंगा, अब जा रहा हूँ। बाय बॉस, बाय बाय बॉस, बाय। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पक्का। क्या चल रहा होगा पता नहीं, मुझसे सहा नहीं जा रहा। बॉस आ गया, इतनी जल्दी हो गया? बॉस, 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 कोई जवाब दिए बिना ही जा रहे हो। बहुत थके थके से लग रहे हो बॉस। क्यों बॉस? गर्लफ्रेंड को घर के अंदर लॉक करके बाहर जा रहे हो, उसे अकेला छोड़कर? एक खास काम याद आ गया, वही करने जा रहा हूँ। तो कुछ हुआ? कुछ हुआ, हुआ क्या? रघु कहाँ चला गया, क्या कर रहा है? रघु, रघु, मैं हूँ रघु, रघु। कोई आवाज नहीं आ रही ऊपर। उसे बुलाओ कैसे? रघु, रघु, मैं खुद जाके देखता हूँ क्या कर रहा है। रघु, यहाँ तो नहीं है, गया कहाँ होगा? रघु, 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 पुलिस, 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 पुलिस। बॉस, एक खास बात बता रहा हूँ बॉस, एक पुलिस वाले ने हमारे ठिकाने का पता लगा लिया है। है? क्या बक रहा है तू? मेरे होते हुए आप घबरा क्यों रहे बॉस? मैंने पुलिस वाले को गोलियों से भून डाला। इतने हिम्मत कहाँ से आ गई? सच करो बॉस, मैंने भून डाला। चुप, वो बात नहीं है। पुलिस को हमारा ठिकाना आखिर पता कैसे चला? ये जरूर बड़े बॉस की हरकत हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? सच कह रहा हूँ बॉस, बड़े बॉस के दो लोग यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने दरवाजा खोल के तलाशी भी ली और उन लोगों ने पैसा भी लूट लिया। और क्या किया पता है? किसी दूसरे फ्लैट का नंबर F6 बनाकर पुलिस वाले को वहाँ छुपा कर रखा था। फ्लैट का नंबर बदल कर पुलिस को वहाँ पे छुपाया था? ये क्या बकवास कर रहा है? अरे हाँ बॉस, हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, हमारे आदमी को पुलिस वाले ने मारा। जब मुझे पता चला तो मैं वहाँ पहुँचा, जानते हो ना मैं कौन हूँ, बिल्ली हूँ, मैंने लुड़का दिया उसे। लेकिन ये सब करके हमारा क्या फायदा होने वाला है? बॉस, आज रात को आप विदेश जा रहे हैं ये बात उनको पता है,
मान लो आपको पुलिस ने अचानक पकड़ लिया तो क्या होगा? आपको मिलने वाला 5 करोड़ रुपया तो गया, ऊपर से आपको पुलिस के हवाले करके इनाम के पैसे भी वो लोग ले जाएंगे। उसके अलावा आपको 5 करोड़ रुपया देने से भी वो बच जाएंगे, समझे? ओ, इतने साल मेरे साथ रहकर मुझे धोखा देने की सोची? ठीक है, अब तो एक काम कर, अभी वहां से तुरंत निकल और सीधा मेरे पास पहुंच, और यहां आने के बाद वो क्या क्या प्लान कर रहा है ये पता लगा। आज रात को मैं उसे बता ही दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। एक और पेटी जा रही है, बड़ी अजीब बात है। बॉस, ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? मेरा वो मैटर वाला काम अभी तक हुआ नहीं। चुप कर, बकवास करता। अच्छा, ये इतनी बड़ी पेटी किसकी है? ये सरजी के लिए है। ये तुम्हारी है? लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी पेटी की क्या जरूरत? वो घर में बुक्स जमा हो गए हैं, वो लाइब्रेरी में डोनेट करने हैं। ओ भाई, अभी तुम जाओ, मैं बॉस को हेल्प कर दूंगा। सर रुको बॉस, डोर डिलीवरी फ्री है ना? तो फिर पैसे क्यों मांग रहे हो? बख्शीश चाहिए, मांगते हुए शर्म नहीं आती? चलो जाओ। खुद तो कभी देता नहीं, दूसरे को भी देने नहीं देता। ये लोग होते ही ऐसे हैं बॉस, पैसा नहीं मिला तो गाली देते हैं। हेल्प करने के लिए मैं हूँ ना बॉस, यहाँ से उठाता हूँ, वहाँ से आप पकड़ो, चलो उठाते हैं, चलो उठाओ। वेरी गुड। बॉस, देखा तुम्हारे पैसे को किस तरह मैंने बचा लिया। अब अगर मेरा काम हो जाता तो बॉस, मैं करता हूं ना। बहुत भारी है, बाप रे, हे भगवान। हाँ बॉस, अंदर 2 पेटी और हैं। आप इतना पढ़ते हैं क्या? यहाँ ये सब कुछ देखकर मुझे पेपर में पड़ी हुई एक बात याद आ गई। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक आदमी ने किसी का खून करके ऐसी ही पेटी में उसकी लाश डालकर एक गहरे कुएं में फेंक दी थी। पुलिस वाले उस आदमी की लाश को बड़ी ही मुश्किल से खोज पाए थे। इस केस की एक और खास बात थी, सुनना चाहोगे क्या? क्या है? पुलिस ने पेटी का तो पता लगा लिया और मरने वाले की पहचान भी हो गई, लेकिन कातिल का पता नहीं लगा पाई। हाँ, शहर में कैसे कैसे जुर्म हो रहे हैं बॉस। कहीं कोई किसी का खून कर देता है, कातिल का पता नहीं चलता, कोई फेक पासपोर्ट बनाकर विदेश चला जाता है। शराफत जैसी चीज तो लगता है अब रही ही नहीं हमारे देश में। दिखने में तो कोई आदमी शरीफ और एकदम भोला भाला दिखता है। उस कुएं के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उल्टी आती है। बॉस, मैं जरा बाथरूम से आता हूँ। क्या हुआ? रुको, बाथरूम के अंदर गर्लफ्रेंड है क्या? सॉरी बॉस, एक बार फिर से गलत टाइम पर आकर मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप ऐश करो, मैं अभी जाता हूँ। मैं बाद में आता हूँ, आप अपना काम बिना झिझक चालू रखो बॉस। जा, हाँ, कोई जा, जा। तो मुझे याद कर लेना, आ जाऊंगा। सॉरी सर, लास्ट अवेलेबल टिकट नेक्स्ट वीक मंडे का है। कोशिश कीजिए, मेरे फ्रेंड के यहाँ फ्यूनरल है, मुझे पहुँचना होगा। मैं देख चुकी हूँ, नेक्स्ट वीक मंडे के सिवाय कोई टिकट अवेलेबल नहीं है। वैसे कंफर्म हो जाएगा, वेट करना पड़ेगा, डिटेल्स देखने पड़ेंगे। आपका नाम क्या है?
MONEYKANT मनीकांत। बहुत अच्छा नाम है सर। आज नाइट में 12 o'clock आपकी फ्लाइट है, आपको 10:30 एयरपोर्ट पहुंचना है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, गाड़ी लेके आ। मिस्टर मनी, मेरी बच्ची की उम्र के सभी लड़कियों को तुम जैसे अच्छे नौकरी वाले और जिम्मेदार लड़कों को पसंद करना स्वाभाविक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जहां तक कि मैं समझता हूँ मेरी बेटी अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करती है। उसके भरोसे को देखकर ही मुझे तुम पर पूरा यकीन हो गया है। तुम घर के अकेले मर्द हो और तुमने अपनी बहन की शादी का अभी से पूरा इंतजाम भी कर लिया है, ये बात मुझे मेरी बेटी ने बताई। मैंने डिसाइड किया है मेरी बेटी मीरा की शादी अब तुम्हारे साथ ही होगी। थैंक्स पापा, थैंक यू सो मच। क्यों मनी बेटा, अब तुम खुश हो? सर, बात यह है कि मेरी कंपनी वालों ने मुझे US जाने का एक ऑफर दिया है। वेल एंड गुड, तुम दोनों शादी करके US में ही सेटल हो जाओ, इसमें सोचने की क्या बात है? अब जाने के लिए हाँ बोल चुका हूँ और कुछ ही देर में सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे। शायद आज रात की ही फ्लाइट से जाना होगा, हो सकता है वहाँ से लौट के आने में 1 साल लग जाए। वहाँ से लौट के आने के बाद अगर मेरे दिल में मीरा के लिए उतना ही प्यार रहा तो मैं ज़रूर शादी करूँगा। What? ये क्या है मीरा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो कि नहीं? ये ऐसा क्यों कह रहा है मुझे खुद नहीं पता, आप मुझे एक मिनट दीजिए। मनी, तुम मेरे साथ आओ, आओ मेरे साथ। तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मनी, तुम्हें क्या हुआ, तुमने पापा से ऐसे क्यों बात की? मैंने गलत नहीं कहा है, सच कहा है मीरा। अगर अमेरिका से आने के बाद हम दोनों में उतना ही प्यार रहा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ये जो गैप है एक दूजे को परखने के लिए काफी है, मेरे हिसाब से जरूरी भी है। और इतने सालों से हमारा जो प्यार है उसका क्या? बुलशिट, अगला पल क्या होगा कोई नहीं जानता मीरा। ये बात तो तुम पहले से ही जानते थे ना, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे ठीक नहीं लगा था, नहीं बताया। हम दोनों के बीच में जो बात हुई थी उसी के बाद ही मैंने पापा से बात की। अब मम्मी और पापा हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे पापा मुझ पे भरोसा करते हैं उसका क्या? तुमने जो कहा वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मम्मी पापा कैसे समझेंगे? मनी, तुम 1.5 साल के बाद लौटोगी तब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए यही प्यार रहेगा, क्योंकि मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। लेकिन तुम्हें एक बार तो मुझे ये बात बतानी चाहिए थी ना। मीरा, महीने की 70,000 सैलरी, गाँव में खुद का घर, लाइफ में अच्छी तरह सेटल हूँ, ये जानने के बाद ही तुमने मुझसे प्यार किया था। ये आमदनी मेरे लिए काफी नहीं है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये तुम्हें पता चलता क्या मुझसे प्यार करती? लाइफ में ठीक से सेटल होना है इसलिए अच्छी इनकम वाला चाहिए, यही सोचकर मुझसे शादी कर रही थी क्या? क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो?
वो मैं ये पेटी अंदर वो... जानता हूँ अकेले इस पेटी को उठा नहीं पा रहे हो, इसलिए मदद के लिए किसी को ढूंढ रहे हो। हाँ जी हाँ। मैं बचपन में अपने गांव में ऐसी चीजों को अकेला उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख कर आराम से लौट कर आ जाता था। ये पेटी क्या चीज है? अरे बाप रे मालिक, ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है। मेरे बाप, ये पेटी के अंदर क्या रखा है? अंदर कुछ कड़कड़ हिल रहा है। जी इसमें बुक्स भरे हैं, लाइब्रेरी में देने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें सिर्फ किताबें हैं, मुझे लगता है इसमें पूरी लाइब्रेरी है। आप मेरा साथ नहीं दोगे तो और कौन साथ देगा? क्या तुम सुपर हो भाई, सुपर। अब सिर्फ तीन पेटी बाकी है। तीनों पेटी। भाई 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 सुपर भाई, आपकी वजह से ही मैं तीनों पेटी चढ़ा पाया। ऊपर से नीचे तक हवा निकल गई, पूरे बदन में तबले बज रहे हैं सर। सर जी, और चार पेटी है तो मैं अकेला ही उठाऊंगा। I'm sorry, Mani. मैं बहुत गुस्से में थी। इस वक्त तुम शादी नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। पता नहीं मैंने गुस्से में क्या कुछ कह दिया। मेरी कुछ मजबूरियां हैं मेरा, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा मेरा, पर वक्त आने पर। अभी तुम घर जाओ, मैं तुम्हें फोन करके सारी बात बताऊंगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं। मीरा मेरी बात मानो, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। 10 बजे तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम घर जाओ, जिद मत करो मीरा। एक अर्जेंट काम है मीरा, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम्हें नहीं ले जा सकता। गाड़ी से नीचे उतरो। चाहे कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, एक मिनट के लिए भी नहीं। कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है, इस वक्त हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ए, यहाँ क्यों आए? नीचे उतरो। मैंने पूछा यहाँ क्यों आए? नीचे उतरो। Oh.
गाड़ी में बैठो, बैठो। हेलो, क्या बात है दोस्त? मुझे लगता है तुम मेरा ही इंतजार कर रहे हो, है ना? सच कहा तूने कमलकांत, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ। पैसा रेडी है? रेडी है कमलकांत, तुम कहो तो मैं खुद उसे लेकर F6 में आ जाता हूँ और तेरा हिसाब चुका देता हूँ। हिसाब चुकाना इतना आसान है क्या? वैसे भी तुम्हारे जैसे भरोसेमंद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हाँ? लेकिन इस वक्त हम उस फ्लैट में नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस फ्लैट और मेरे बीच में कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे पास पैसा तो रेडी है ना, तो कहीं और मिल लेते हैं। ठीक है, तो फिर कहाँ मिलूं? ये हुई ना बात भाई, रायपुर में पेंट की फैक्ट्री है ना, इस वक्त मैं वहीं पर हूँ। एक काम करो, वहीं आ जाओ। आ रहा हूँ कमलकांत, मैं भी तुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। भाई क्या हुआ? वो हमें दूसरी जगह बुला रहा है। भाई मनी ने भी यही बताया था। क्या बताया था? उसने पासपोर्ट बनाने के लिए पैसा दिया था ना, मान लो पैसा कमलकांत ने दिया होगा, इस बात से वो अलर्ट तो रहेगा ना। ए, ये बात तो हमारे और उसके बीच की है, जब हमें नहीं पता तो मनी को कैसे पता? भाई नहीं बताया था, उसने किसी से फोन पर बात की थी, ऐसे में उस पर किसी को शक नहीं होगा क्या? भाई वो हमारे पास पासपोर्ट बनाने नहीं आया था, वो हमारा भेद जानने के लिए आया था। बकवास बंद करो। इतने सारे आदमियों के होते हुए भी मैं मुंह की खा रहा हूँ। अरे ओ मेरी माँ काली, मैं क्या करूं? तू ही कुछ रास्ता बता, इस मुसीबत से मुझे बचा। ए शेखर, तू एक काम कर, हमारे लोगों को फोन कर, रायपुर पेंट फैक्ट्री में तुरंत पहुंचने को बोल। बोरा, तू इधर ही रह, अगर मनी यहां नहीं आया तो समझ लेना कमलकांत को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। और अगर आ गया ना तो धमचकी 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 कमलकांत के लाइफ का क्लाइमैक्स। मनी को आने दो। मनी तुमने कैसा बेवकूफी वाला काम किया, लेकिन जो भी किया बिल्कुल गलत किया। 5-10 रुपए रिश्वत में देकर मैं किसी से काम करवा लूं, ऐसा ऐरा गैरा नहीं हूं, समझी ना? मुझे गुनहगार साबित करने का किसी को कोई हक नहीं है। गुनाह करने के बाद भी सफाई दे रहे हो? जिंदगी हर इंसान को एक बार उठने का मौका देती है, उस वक्त का जो सही इस्तेमाल ना कर पाए वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने अपना पासपोर्ट बनवाने को दिया है, वो लेते ही मैं फ्लाइट पकड़ लूंगा और सारा मामला खत्म। तुम्हें और मेरे परिवार वालों को छोड़कर मैं 1 साल सुकून से रहने के लिए विदेश जा रहा हूँ, और उसके बाद वो पैसा सिर्फ मेरा है, उसका हकदार सिर्फ मैं हूँ। मेरी बात मानो, चल के पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। पुलिस को तुम अपना ससुर समझती हो क्या? खुद को कसाई के हवाले करोगी? जाकर बोलूं सर 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 मेरे घर में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तब वो कहेंगे आओ आओ आओ, मेरा स्वागत करेंगे, मुझे बलि का बकरा बनाकर सूली पर चढ़ा देंगे। चल जा। ए मनी, कहाँ जा रहे हो? मनी मेरी बात सुनो। मनी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस वक्त किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं रात को ही फ्लैट छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे लिए 1 साल इंतजार करना, मैं आकर तुमसे शादी करूंगा। मनी मनी मेरी बात सुनो। मनी मनी मेरी बात मान लो। मनी 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 ये गलत है। हेलो भाई। सर जी कहाँ गए? पासपोर्ट मेरा।
कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए, मुझे छोड़ दो। बहुत होशियार बनता रे। हाँ बोल। मनी को पकड़ लिया है। नर बलि देने का वक्त आ गया है, उसे लेकर जल्दी। हाँ हाँ। हेलो। क्यों बड़े भाई, आ गए क्या? जिस फैक्ट्री में तूने बुलाया था मैं वहीं हूँ, तू कहाँ है? उसी फैक्ट्री के अंदर हूँ, आ रहा हूँ। कैसे हो कमलकांत जी? मैं हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करता आया हूँ, तो फिर मुझे किधर से डरने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक हूँ। तू ये बात अच्छी तरह जानता है कि ज्यादा भरोसेमंद लोग मेरे साथ ज्यादा दूरी नहीं तय करते। किसी न किसी मोड़ पर हर कोई मुझे आंख दिखाकर साथ छोड़ जाता है। ओके। और ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। ऐसा इंसान से क्या क्या करवा सकता है, ये बात मैं अच्छी तरह से समझ गया। बरसों की हमारी गहरी दोस्ती में क्यों दरार पड़ गई? पैसा जो बीच में आ गया ना। ये क्या बकवास कर रहा है, इसे ठोक दो भाई। आप हाँ बोलिए, एक मिनट नहीं लगेगा, इसे अभी टपका दूंगा भाई। किस पे इतना भौंक रहा है तो? भाई इसने आपको धमकी दी है, ये सामने से हंसते हैं और पीछे से छुरा मारते हैं। आप सिर्फ मेरे को हुक्म दो भाई, इन कुत्तों को तो मैं इनकी औकात बताता हूँ। ये गिरगिट की औलाद हमारे आदमियों को मारकर हम परी सीना जोरी कर रहा है क्या? हमारे भाई तुमसे इज्जत से बात कर रहे हैं और तू नहीं आंखें दिखा रहा है, तेरी तो। ये क्या, ये क्या? जरा चुप रहे, मैं हूँ ना, बात क्या है बोल। हमारे आदमी को पुलिस से पकड़वा कर उसे गोली से भुनवा दिया। तुम्हारे अंदर इंसानियत होती तो सामने आके बात करते तुम लोग, तुम्हारी तो। क्यों बे, मुझे तो नई नई फिल्में दिखा रहा है, पैसे को तो हड़प करना चाहता है क्या? पैसे लेकर आए मेरे रवि और गोपी को तूने जान से मार दिया और अब ये शो कर रहा है कि पैसे तुझे मिले ही नहीं। तेरे आदमी रघु ने मेरे फ्लैट में पुलिस को छुपा के रखा था, तेरे दो आदमी अभी भी वहीं पे होंगे, चलकर दिखाऊं क्या? देखोगे? ऐ हां भाई, जाओ और जाके उन दोनों को पैसे के साथ यहां लेके आओ। ठीक है, ऐ जाओ मेरे और इसके आदमियों को पैसे के साथ यहाँ पर लेकर आओ, जाओ। एक बार मनी आ गया फिर सारा लफड़ा यहीं पर खत्म हो जाएगा। मैं भी वही पूछ रहा हूँ, कहाँ है मेरा पैसा? मनी, अरे मनी मनी, अरे कहाँ है मनी? मैंने पैसा मांगा तो पैसा वही चेंज हो रहा है, कहाँ रह गया मनी? आहा, लगता है मनी के दोस्त लोग आ रहे हैं। ये लोग अगर वहां लगाने के लिए बैठ गए तो फ्लैट के तो दो हिस्से हो जाएंगे। जो भी हो मुझे क्या करना है? ए, रुक जाओ, पैसा हमारे बॉस का लेने जा रहे हैं तो तुम लोग आगे काहे को? ऊपर हमारे भी दो आदमी हैं, इससे पहले हम जाएंगे, तुम लोग पहले गए तो खलास। क्या खलास? हमारे भाई के कहने पर ही हम लोग अभी खामोश है, समझ गए क्या? वरना तेरा भाई कौन सा तोपची है बे?
वो कमल सुंदर हमारे भाई का पैर दबाता रहता है, अपनी आंखों से देखा है बे, समझा क्या? तेरा भाई तो भीगी मुर्गी और मेरे भाई की वजह से उसका रिश्ता है। क्या कहा? मुर्गी है। ये सब क्या हो रहा है? चाकू पकड़ना नहीं आता, तलवारबाजी की बात करता है। देखो, पहले हम पैसा और आदमी लेकर रायपुर पेंट फैक्ट्री पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम उन दोनों को देख लेंगे। चलो अब। बाप रे, अब मैं क्या करूं? भाई मैं पूरा बोल रहा हूँ। कहाँ हो? पहुंच गए वहाँ? भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो भाग गया है। ये क्या किया? हेलो, क्या हुआ बताओ भाई? यहाँ पर वो दोनों नहीं है भाई। चप्पा चप्पा छान मारो, ये सब क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि बनी बच के निकल गया और तू कह रहा है वो दोनों वहाँ है ही नहीं। तुम लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने गए हो क्या? मनी, ये चुप रह, बोला ना। मनी चुप भाई, एक मिनट, एक मिनट भाई। ए, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? भाई पैसा मिल गया भाई। ए, चल रहे। क्या पैसा मिल गया? ए, तुम लोग कौन और ये सब क्या हो रहा है? मनी के साथ जिस लड़के की फोटो थी वो लड़का और लड़की इस वक्त यहीं पे है भाई। उन्हें यहाँ लेकर आओ, उन्हें यहाँ लेकर आओ, लेकर आओ। अब आएगा खेल में मजा। बोलो मीरा, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे दो आदमियों के साथ पैसे लेकर रायपुर पेंट फैक्ट्री में जल्द से जल्द चला। याद रखना, दो आदमी तुम्हारे हैं तो एक आदमी मेरा भी है। चुप 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 रह। अगर तू पैसों के साथ नहीं आया ना, तो तेरी लवर मीरा को और तेरे फ्रेंड कृष्णा को मैं यहीं पर कोयला बना दूंगा। मेरी बात समझ रहा है ना? एक बार मनी आ गया तब खेल में मजा आएगा। पहले मनी को उड़ाएंगे, उसके बाद इन दोनों को उड़ा देंगे। जी ले जाओ इन्हें। ए, ए, चल रे, चल रे, चल चल चल। ए, भाग भाग रे भाग बोला। पैसा ये इन दिनों आया है जाएगा, तेरे नहीं ये भाग में तू बैठा किस आस में। खेलिए पैसे का बाजी है, हार की बाजी है ये जीत की, हार जीत है प्रीत की। अरे पैसे में वो बात है, नींद ना आए रात में, पैसे रहे तो साथ में खुशियाँ आए पास। अरे पैसे में वो बात है, नींद ना आए रात में, पैसे रहे तो साथ में। जल्दी वरना तू फंस जाएगा। तेज तेज रे तेज भोला, तेज तेज रे तेज भोला, तेज तेज रे जल्दी वरना तू फंस जाएगा। साहब मैंने खुद अपने कानों से सुना है, मैंने वो एड्रेस भी एक पेपर पर लिख लिया है। तुम ठीक 7:30 बजे 5738 रायपुर पेंट फैक्ट्री के पास आ जाना। हाँ, इसी जगह पैसे ले जाना, ऐसा बार बार कह रहे थे सर। वहाँ पर मिलेगा कमलकांत। कमलकांत ही मैंने सर। क्या हुआ? पीछे आओ, पीछे आओ। उधर क्या चल रहा है? मैं समझ गया बॉस। उधर देखिए, उनकी देने की नीयत ही नहीं है बॉस। भाग भाग रे भाग बोला। सात खून माफ है, पैसा
का जो पास है बाकी बातें भूल जा, जो हुआ सो वो हुआ, जिंदगी तू गवा, सुन ले तू और बचा, तेरे अपने जो खास है जिनके लिए तू जीता है। अरे वैसे मैं वो बात है, नींद ना आए रात में, वैसे रहे तो साथ में, खुशियाँ आए पास। अरे वैसे मैं वो बात है, नींद ना आए रात में, वैसे रहे तो साथ में, खुशियाँ आए पास। ये ले लो तुम कहता हूँ मैं, अब जी लो तुम, मुझे छोड़ दो, मेरे हाल पर लो राज मैंने खोला। भाग भाग रे भाग बोला, भाग भाग रे भाग बोला, भाग भाग रे जल्दी वरना तू फंस जाएगा। तेज तेज रे तेज बोला, तेज तेज रे तेज बोला, तेज तेज रे जल्दी वरना तू फंस जाएगा। ये क्या तमाशा है, बोलना जल्दी। अबे किसने पूछ रहा है बस, तेरी तो हमारे लड़ने का वक्त नहीं है, पहले हम वहां पैसा पहुंचाते हैं, उसके बाद ही देख लेंगे। चलो अब तेरी समझ में यह बात आ गई ना कि मैंने कोई गलती नहीं की। अब तू बता कि इन चारों को तूने क्यों मारा कमलकांत? ये जो चारों लेटे हैं ना, इसमें से एक मेरा भी आदमी है। अब मेरे समझ में आया वहां पर पुलिस इतनी आसानी से कैसे पहुंच गई और मेरे आदमी को क्यों मारा। इसके पीछे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो मैं समझ गया हूँ। लेकिन मनी कहाँ है? कहाँ है मनी? ये है ना मनी? ये मनी है? हाँ, यही है मनी। ओ मनी हो, हाय। पर मेरा मनी कहाँ है? ये कैसा इंसान है? अरे यही तो है वो मनी। अरे मैं इस मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मनी की बात कर रहा हूँ। पैसा पैसा कहाँ है पैसा? अरे ये क्या मुसीबत है। अच्छा एक बात बताओ, हम दोनों इतनी देर से आपस में लड़ रहे हैं, ये कौन है? अंपायरों की तरह बीच में खड़े होकर तमाशा देख रहा है? यही तो है वो तुम्हारा आदमी। ये कैसी कॉमेडी है, देखने में तो बिल्कुल भला इंसान लगता है ये। मैं कसम खा के कहता हूँ ये मेरा आदमी नहीं है। अगर तुम्हारे आदमी करेक्ट जगह पर पैसा रख देते तो ये लफड़ा ही नहीं होता। तुम्हारे खिलाफ मेरे दिल में कोई शक नहीं होता मेरे भाई। ये तेरा आदमी नहीं है, तूने हमारे आदमियों को नहीं मारा। वो 5 करोड़ रुपए तेरे पास है, अगर तू ये कह देगा तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड है। हाँ। नहीं चाहिए मुझे पैसा, नहीं चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुझे और तेरे आदमियों को पहले खत्म करूंगा, उसके बाद बॉडी को। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, पुलिस ने तुम सबको चारों तरफ से घेर लिया है, अगर किसी ने भी हरकत करने की कोशिश की तो उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। मैं फायरिंग का ऑर्डर लेकर आया हूँ, तुम सब अपने आप को सरेंडर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं अभी भी तुम लोगों को प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात मान लो। तुम लोग बच नहीं सकते, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और हथियार नीचे फेंक दो। ए, फेंक दो हथियार नीचे, फेंक दो। सुना नहीं क्या? फेंक दो। लोखंडे और कमलकांत, बाहर जो पुलिस वैन खड़ी है तुम लोग उसमें जाके बैठ जाओ। हेलो। आज रात से सुबह होने तक आपकी जान को बहुत खतरा है, इसलिए किसी से उलझिए मत और हर काम सावधानी से कीजिए। सुनो, अगर अभी भी कोई जिंदा बचा है तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। हेलो।
कृष्णा, तुम मेरे साथ आ रहे हो या मैं जाऊं? मीरा, ये देखो, देखो पैसा, हमारा पैसा। हम लोग गांव में जाके सेटल हो जाएंगे, खुशी से जिंदगी गुजारेंगे। ये देखो, अपने जुर्म में तुम हमें भी शामिल करना चाहते हो? तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितने बड़े क्रिमिनल हो। यकीन करो, हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। इन गलत तरीके से कमाए हुए पैसों के साथ मैं भाग नहीं सकती हूँ। तुम समझ रहे हो ना मनी? मनी, जुर्म कभी छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल तुम पकड़े ही जाओगे। तब तुम्हें कितनी तकलीफ होगी? सोचो तुम्हारे अपनों को कितनी तकलीफ होगी। आज तुम्हारे पास इतने पैसे तो आ गए मनी, लेकिन सोचो इसे बचाने के लिए तुम क्या क्या नहीं करोगे। पहले जाओ शीशे में, अपनी सूरत देखो, कितनी बदल गई है ये तुम्हें खुद दिखेगा। ये पैसा तुम्हारे पास आने के बाद एक ही दिन के अंदर तुमने क्या क्या किया ये सोचो। मनी, ये पैसा तुम्हें सुकून, आराम, चैन, ये सब कुछ दे सकता है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो इसे अपने पास रखो। चलो कृष्णा,